वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ माइनक्राफ्ट। एंड हम लोग फिर से माइनक्राफ्ट खेलने जा रहे हैं गाइस। आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग बनाएंगे अपने लिए एक प्यारा सा फूड फार्म, उसके साथ साथ एक हाउस। तो चलो कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर भाई मैं अभी ब्लैक स्मिथ के घर में रह रहा था, तो चलो आज हम लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर इन भाई लोगों को सबसे पहले मैं निपटाता हूँ, थोड़े से रोटन फ्लेश भी मिल जाएगी मुझे। एंड ये मैंने लगा दिया था शील्ड, जिससे मैं बच गया था। एंड मेरे पास बहुत सारे आयरन हैं एंड आयरन के आर्मर भी हैं, तो मैं सोच रहा हूँ अपना जो हाउस है वो थोड़ा सा दूर बनाऊँ। यहाँ पर दो दो प्यारे प्यारे पीक हैं एंड यहाँ पर एक शीप है, तो इसको बेमतलब मौत का मैंने मार दिया है। एंड आगे चलते हैं भाई, यहाँ पर हम लोग अपना हाउस बनाने वाले हैं, उसी के जस्ट साइड में हम लोग बनाने वाले हैं एक प्यारा सा फूड फार्म। तो चलो कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मुझे चाहिए होगा, सबसे पहले मैं फूड फार्म ही बनाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बनाने वाला हूँ अपने लिए एक प्यारा सा हाउस। एंड हाउस बनाने के लिए मुझे ये तो चाहिए होगा कोल स्टोन, एंड कोल स्टोन के साथ साथ मुझे कुछ फूड भी चाहिए होगा जो मेरे पास ऑलरेडी है। तो चलो कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करते हैं। मैं ज़्यादा बड़ा हाउस नहीं बनाने वाला, मैं हाउस की थीम रखूँगा ओनली 5.5 ब्लॉक्स। तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 7 तक रख लेता हूँ मैं। 1, 2, 3, 4, 4, 5 तो इसको 1, 2 हो गया 3, 4, 5, 6, 7 एंड इसको यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं हम लोग। तो चलो इतना हो जाने के बाद अब हम लोग बीच में कोबल स्टोन फिल कर देंगे। तो चलो जल्दी जल्दी हम लोग कोबल स्टोन फिल करते हैं। लो भाई गलत भी लग गया। एंड चलो जल्दी जल्दी हम कोबल स्टोन को लगाते हैं। यहाँ पर जितने कोबल स्टोन हो सकते हैं मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी लगा देता हूँ। एंड बाकी वैसे अगर जो आपको पार्ट पूछिए तो फर्स्ट से कमेंट कर देना एंड सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आप सेट कर देना, ताकि आने वाली मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सबसे पहले मुझे बनाना पड़ेगा क्राफ्टिंग टेबल, कुछ वुडन प्लैंक्स एंड यहाँ से मैं जाता हूँ सिंपल कुछ नहीं। यहाँ से मैं थोड़ा सा बैक कर लेते हैं, बट टॉर्च लिखा हुआ है तो यहाँ से इसको इनेबल करने के बाद मुझे बनाना थोड़े से प्लैंक्स, एक क्राफ्टिंग टेबल। क्राफ्टिंग टेबल को यहीं पर प्लेस कर देता हूँ। एंड यहाँ पर क्राफ्टिंग टेबल प्लेस करने के बाद यहाँ पर बनाना पड़ेगा मुझे ज़्यादा कुछ सामान नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से बनाने पड़ेंगे थोड़े से स्टेयर्स। एंड स्टेयर मैंने बना लिया ऑलरेडी, अब चलो यहाँ से इसको लगाते हैं। एंड मैं सोच रहा हूँ इस साइड ना लगाऊँ, कि देखो इधर से 2, 2, 4, 2, 6 ब्लॉक्स रह रहा है एंड इस साइड 7 ब्लॉक्स हैं। तो चलो इस साइड ही लगाते हैं एक ब्लॉक का स्टेयर, यहाँ पर बीच में हमारा डूर लगने वाला है, तो यहीं पर हम लोग लगा देंगे। यहाँ सबसे पहले बना लेते हैं एक प्यार से डूर जो मैं बनाने वाला हूँ ब्रिज का, और यहाँ पर ब्रिज का डूर मैंने बना लिया ऑलरेडी। एंड चलो अब यहाँ से हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं इस पर रूट को, एंड यहाँ साइड साइड में कोको स्टोर लगा देते हैं 1, 2, 3। एंड मैं हाउस को ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा ओपी भी नहीं बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि भाई देखो ज़्यादा मस्त बाद में लोग बना लेंगे। सबसे पहले अभी मैंने ऐसे रैंडम हाउस चाहिए जिससे हम लोग रह सकें। तो यहाँ पर इतना जाने के बाद मुझे यहाँ पर लगाना पड़ेगा थोड़ा सा फूड, एंड यहाँ पर मैंने लगा दिया फूड। एंड इस साइड भी सेम प्रोसेस, एंड यहाँ पर इधर भी मैंने 3 ब्लॉक का लगा दिया, एंड इधर भी, एंड इधर भी मैंने यहाँ पर इतना तो ब्लॉक लगा दिया। एंड तब तक भाई आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्या कर रहे हो आप लोग। एंड यहाँ पर मुझे लगाने पड़ेंगे कोबलस्टोन जो मेरे पास भाई भर भर के हैं यार। एंड मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर भी मुझे उड़ ही लगाना चाहिए, क्योंकि उड़ की थीम मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है यार। एंड बाकी एक छोटा सा पार्कोर मैंने क्रॉस कर दिया और बाद में गिर गया। चलो इसको भी हमें इस वाले कोबलस्टोन को भी जल्दी से तोड़ते हैं, एंड यहाँ से एक दो ब्लॉक लगा कर तीसरा ब्लॉक भी हम लोग लगा देते हैं। बाकी यहाँ पर कोबलस्टोन लगाना पड़ेगा मुझे, एंड इधर 3 एंड इधर भी 3। एंड चलो अब यहाँ पर हम जल्दी जल्दी से लगाते हैं इस वाली चीज़ को अपनी कोबलस्टोन को। एंड बाकी अभी हम लोग गिलास नहीं लगाने वाले, अभी हम लोग लगाएंगे डर्ट के ट्रैप डोर्स गाइस। हाँ अभी मैं ट्रैप डोर यूज करने वाला हूँ, क्योंकि देखो गाइस अभी मेरे पास ज़्यादा कुछ सामान है नहीं, अभी मैं ट्रैप डोर से ही काम चलाने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से यहाँ से मैंने लगा दिया इतना इस साइड में, एंड वही सेम प्रोसेस मुझे इस साइड भी करना पड़ेगा। एंड ये मैं चलता हूँ ऊपर, एंड जल्दी से 3 ब्लॉक यहाँ पर लगाता हूँ। एंड यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस, 3 ब्लॉक इधर भी लगाऊंगा, एंड एक ब्लॉक मैं इधर लगा देता हूँ एंड दूसरा ब्लॉक यहाँ पर, एंड वही सेम प्रोसेस नीचे भी यहीं पर ऐसे ऐसे। एंड यहाँ पर मैं जल्दी से बिल्डअप करता हूँ एंड बाइक, उसके बाद हम लोग बनाने वाले हैं फूड फार्म, जिसके लिए मुझे बहुत सारी वीट चाहिए होंगी जो मैं ले लूँगा भाई। मेरे पास मुझे मिल जाएगी काफ़ी सारी वीट्स, मतलब वीट के सीड चाहिए भाई, वीट नीचे मुझे सीड चाहिए। एंड लो भाई इतना तो कम्प्लीट हो चुका है हमारा काम, एंड अब चलते हैं बाहर। एंड बाहर जाने के बाद एक छोटा सा चीज़ इधर भी लगाते हैं कुछ इस वाले डायरेक्शन में लगे जाए। लो भाई इतना तो मैंने लगा दिया, एंड हाउस अभी कुछ ज़्यादा ही बेकार लग रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ पर बना लेता हूँ कोल्ड स्टो, यहाँ पर एक वाटर बकेट में बना लेता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पर ये वाटर बकेट तो मैंने बना लिया, कोल्ड स्टोन में कुछ स्टेयर्स बनाना है मुझे। तो चलो इतना कोल्ड स्टोन के स्टेयर्स मेरे ज़्यादा पर्याप्त रहेगा। चलो जल्दी यहाँ पीछे वाटर रिवीन है आदमी, आप जैसे सी बोल सकते हो,
या रिवर बोल सकते हो। यहाँ से मैं उठाते हैं वाटर बकेट वाटर एंड ट्रैप डोर लोग बाद में लगा देंगे। सबसे पहले मैं जा रहा हूँ सीधा ऊपर। तो चलो गाइस मैं यहाँ पर चलता हूँ सीधा और सीधा ऊपर एंड यहाँ पर ऊपर आने के बाद मुझे यहाँ पर लगाना पड़ेगा तो ये वाला चीज़ मतलब स्टेयर मुझे लगाना पड़ेगा, बाकी अंदर से हम लोग का वैसा ही रहेगा। एंड यहाँ पर मैं लगा देता हूँ कुछ उड़ के प्लेंक्स जो मेरे पास नहीं है, मैं यहाँ से जल्दी जल्दी बना लेता हूँ प्लेंक्स एंड यहाँ पर भी लगा देता हूँ मैं जल्दी से उड़ के प्लेंक्स एंड यहाँ पर हम लोग लगाते हैं स्टेयर। जल्दी जल्दी लगाते हैं भाई, टाइम नहीं है अपने पास। एंड इधर जाकर मैं सेम वही प्रोसेस कंटिन्यू करता हूँ इस साइड जाके एंड वहाँ पे बीच में जो मैंने कोर्सटोन लगाया था वहाँ पर मैं क्लियर कर दूँगा उसको। एंड ये लो भाई मैंने यहाँ पर इसको इतना तो लगा दिया है एंड यहाँ पर मुझे स्लैब लगाना पड़ेगा जो मैं अभी नहीं लगाऊंगा यार, मैं उसको बाद में लगाऊंगा। एंड एक छोटी सी एमएलजी करने के बाद हम लोग का हाउस कुछ इस तरह से ओपी दिखने लग चुका है इतना तो। एंड बाकी हम लोग को ज़्यादा कुछ काम करना है नहीं, मुझे बस इसको थोड़ा सा इस वाले जो गेट पर लगा इस वाले को मुझे थोड़ा सा स्ट्रिप कर देना होगा, बस इतना हो जाएगा, इतना में हमारा काम हो जाएगा। एंड देख सकते हो बाकी ओवरऑल कितना ज़्यादा ही मस्त कर रहा है, बाकी पिलर से हम लोग छेड़छाड़ नहीं करने वाले। एंड ये इतना हमारा हाउस लग चुका है यहाँ बीच में भाई, ये जो मैंने लगा दिया था ये थोड़ा सा मैंने गलत लगा दिया था, इस वाले स्टेयर को हम लोग तोड़ देते हैं एंड यहाँ पर एक इस तरह से प्लेस कर देते हैं। एंड ये लो भाई अपना हाउस कम्प्लीट हो चुका है बाहर से। एंड यहाँ से बनाते हैं हम लोग थोड़े से ट्रैप डोर्स जो मैं यहाँ पर इस वाली ओक के ब्लॉक पे बनाने वाला हूँ, दो में नहीं होगा भाई, मुझे यहाँ पर बनाने पड़ेंगे काफ़ी सारे, मतलब एट बना लिया मैंने। एंड ये कलर लग गया, इसको भी तोड़ते हैं जल्दी से। एंड चलो अंदर चलते हैं एंड यहाँ पर भाई अंदर भी मुझे काफ़ी सारे सामान लगाने पड़ेंगे। तो चलो इधर से मैं जल्दी जल्दी इसको लगा देता हूँ, दो इधर भी लगेंगे तो दो इधर भी लगाता हूँ मैं इसको, क्योंकि भाई देखो अभी मेरे पास वैसे मतलब यहाँ पर मुझे मिल जाएंगे सैंड काफ़ी सारे। एंड लो भाई इतना हो जाने के बाद अब हम लोग सिंपल ज़्यादा कुछ करने वाले हैं नहीं, मुझे सिंपल यहाँ पर इसको ऊपर जाना पड़ेगा भाई। एक बकेट वाटर लगाता हूँ मैं इसके ऊपर जाता हूँ, यहाँ पर मेरे पास बकेट वाला वाटर है जो मैंने बकेट अभी बना लिया था, काफ़ी ज़्यादा यूज आ गया मुझे इसका। लो भाई हम यहाँ पर इतना ऊपर तो आ चुका हूँ, अब मुझे यहाँ पर ज़्यादा कुछ काम करना नहीं है, मुझे यहाँ पर बस कोबलस्टोन के ब्लॉक्स लगाकर इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना होगा ऊपर तक। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी हम इसको एक्सटेंड करते हैं जल्दी से। एंड यहाँ पर मुझे पिलर पर तो वही लगाना पड़ेगा, तो पिलर वाला हम लोग बाद में देखेंगे, पहले यहाँ पर कोबलस्टोन वाला देखते हैं जल्दी जल्दी। एंड भाई इतना हो जाने के बाद अब हम लोग यहाँ से जल्दी जल्दी इसको कनेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि भाई देखो अभी अपने पास टाइम है नहीं, मुझे अभी यहाँ पर फूड फार्म भी बनाना है, उसके लिए मुझे काफ़ी सारे वीट चाहिए होंगी, तो वीट की तो उतना ज़्यादा जरूरत नहीं है, फार्म बना कर उसके बाद मैं वीट लगा लूँगा, लेकिन तब तक के लिए मुझे यहाँ पर जल्दी से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना पड़ेगा भाई। तो चलो यहाँ से जल्दी जल्दी हम लोग अपनी कंस्ट्रक्शन को करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं भाई। एंड तब तक आप लोग सब्सक्राइब कर लो यार, क्या करो आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार, तो सब्सक्राइब कर लो यार जरूर से भाई। एंड यहाँ पर एक कोर्स गलत लग गया एंड बाकी यहाँ पर उड़ तो मेरे पास काफ़ी सारे हैं, तो चलो जल्दी से यहाँ से उड़ को लेते हैं, एक इधर लगाते हैं एंड इस साइड लगा तो भाई अप्रॉक्स गायब ही है लगभग, तो चलो इसको भी मैं यहाँ से उठा लेता हूँ जल्दी से। एंड बाकी एक छोटी सी एमर्जी करने के बाद मैं आ चुका हूँ बाहर एंड हमारा हाउस कुछ इस तरह से दिखने में लग रहा है। एंड बाकी बेड मैं इसमें लगाने वाला हूँ अभी बाद में, सबसे पहले मैं लगाते हैं यहाँ पर कुछ टॉर्चेज जिससे यहाँ पर जो भी स्पॉन ना हो। तो यहाँ पर एक टॉर्च, यहाँ पर एक टॉर्च, यहाँ पर ये गलत लगे थोड़ा, यहाँ पर एक टॉर्च लगाता हूँ मैं। एंड थोड़ा सा बाहर आने के बाद मैं आयरन इनवर्टर का लैंटर्न भी बना सकता था बट अभी मैंने नहीं बनाया। एंड एक इधर लगा देते हैं दो एंड दो यहाँ पर नीचे भी लगा देते हैं यार। एंड बाकी यहाँ पर इसको तोड़ते हैं एंड चलो हम भाई कंस्ट्रक्शन करते हैं अपने फूड फार्म का। तो फूड फार्म का कंस्ट्रक्शन करने के लिए मुझे चाहिए होगा यहाँ पर आना पड़ेगा एंड यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और दस लग चुके हैं, दस ब्लॉक का मुझे बनाना था बस। एंड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एंड दसवां ब्लॉक इधर भी लग चुका, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड बाकी इसको मैं मिला देता हूँ भाई। अरे यार ये थोड़ा सा गलत लग जा रहा भाई। एंड सभी बंदे वीडियो को लाइक कर दो यार, सभी बंदे वीडियो को लाइक कर दो यार। एंड यहाँ से चलो जल्दी से हम आगे चलते हैं, यहाँ पर भी लगाते हैं थोड़े से उड़, यहाँ पर भी लगाते हैं थोड़े से उड़, यहाँ पर भी एंड ये लास्ट वाला यहाँ पर भी लगाने के बाद मेरे पास है काफ़ी सारे फेंसेस। तो चलो यहाँ पर फेंस के गेट्स भी है मेरे पास, तो इस वाले फेंस गेट को मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ एंड थोड़े से जो स्टेयर बच रहे थे उनको भाई मैं यहाँ पर लगा देता हूँ जिससे मुझे अंदर जाने में आसानी होगी। तो चलो यहाँ पर तो मैंने लगा दिया फेंस गेट, वो मैं यहीं पर लगाने वाला हूँ और वो मैं दो नहीं लगाने वाला, वो मैं एक ही लगाऊँगा फेंस गेट
एंड बाकी यहाँ पर लगा देते हैं थोड़े से, यहाँ पर भी फेंस लगाता हूँ एंड यहाँ पर भी मैं स्टेयर लगाता हूँ एंड उसके बाद में फिर यहाँ पर भी जल्दी जल्दी काम करते हैं। एंड इसको लगाने के लिए मुझे थोड़ा सा दिक्कत है, तो चलो यहाँ से हम लोग इसको जल्दी जल्दी कनेक्ट करना स्टार्ट करते हैं एंड यहाँ तक आ जाते हैं। एंड इतना आने के बाद अब हम लोग सेम वही प्रोसेस इधर भी कंटिन्यू करने वाले हैं। एंड लो भाई इतना हो जाने के बाद अब हम लोग यहाँ से कंस्ट्रक्शन को आगे लेकर चलते हैं। एंड यहाँ पर आने के बाद हम लोग इसको थोड़ा सा और तेज़ काम करते हैं। एंड यहाँ तक आने के बाद हम लोग को सिंपल इसको ज़्यादा कुछ करना नहीं, इसको यहाँ तक कनेक्ट कर देना होगा। तो लो भाई मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, बाकी आप देख सकते हो ये बन जाएगा हमारा एक प्यारा सा फूड फार्म। उसके लिए मुझे वाटर बकेट चाहिए होगा जो मेरे पास ऑलरेडी है, तो यहाँ पर एक दो गड्ढा कर देता हूँ जिससे मैं पानी रख कर यहाँ पर अपने लिए फार्मिंग कर सकूँगा। तो चलो एक बकेट इधर डालता हूँ एंड बाकी रात हो चुकी है, जो भी रिस्पॉन्ड होंगे तो उनको भी मैं बताऊँगा भाई, अभी बाद में बताता हूँ उनको मैं। उससे यहाँ से मुझे चाहिए होगा एक बकेट वाटर जो मैं यहाँ से ले लिया हूँ। तो चलो अब चलते सीधा अपनी इस पर एंड इसके बाद आने के बाद एंड सभी बंदे जो भी बंदा न्यू आ रहा है लाइक कर देना यार, जो भी बंदा है देख रहा भाई वीडियो लाइक कर दो यार। एंड एक बकेट इधर डाल देता हूँ एंड बाकी ओवरऑल देख सकते हो ये हमारा एक प्यारा सा फॉर्म तैयार हो चुका है। एंड यही थे छोटी सी इंटरेस्टिंग वीडियो, पसंद है तो लाइक करना, चलो सब्सक्राइब कर लो ऐसी अमेजिंग वीडियो।